सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपके लिए मैं लेके आया हूँ वेज होटल सावर सूप की रेसिपी। घर पे आप कैसे आसानी से वेज होटल सावर सूप बना पाएंगे, तो चलिए दोस्तों वेज होटल सावर सूप बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल होटल सावर सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ली है, देख सकते हैं फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मशरूम है, बीन्स है, गाजर है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले मशरूम की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मशरूम को आपने स्लाइसिस में काटना है और उसके बाद आपने इसे बारीक काट लेना है या आप पतला पतला रख सकते हैं। इसके बाद बीन्स को भी काट लेना है, बीन्स आप अपने हिसाब से काटें, मैं यहाँ पे फाइन चॉप करूँगा बीन्स को। और इसके बाद फूलगोभी भी फाइन चॉप करेंगे और गाजर को करेंगे फाइन चॉप। साइड से आपने अच्छे से निकाल देना है, हार्ड होता है साइड का पीस गाजर का। तो ये देखिए गाजर हमारी फाइन चॉप होने लग गई है, आप ट्राई कीजिए आपसे भी ऐसी बारीक कटेगी सूप की कटिंग। ये देखिए अब गाजर कट के तैयार हो गया है। अब बारी है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे, फाइन चॉप करेंगे पत्ता गोभी को भी। अगर आपके पास और वेजिटेबल है तो आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया और रेड येलो बेल पेपर हो गया, वो ऐड कर सकते हैं। तो वेजिटेबल कट के तैयार हो गई है। एक वो कढ़ाई ली है, आपके पास नहीं है तो आप पतीला ले सकते हैं। गरम करेंगे कढ़ाई को, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाले हैं, गरम करेंगे रिफाइंड ऑयल को भी अच्छे से। इसके बाद चॉप लहसुन और चॉप अदरक, इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन करना है अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को। तो ये देखिए अदरक लहसुन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब दोस्तों इसमें ऐड करूँगा वेजिटेबल। अब वेजिटेबल को थोड़ा सा इसके साथ भून लेना है। तो ये देखिए वेजिटेबल सारी ऐड हो चुकी है, थोड़ा सा इसे सोते करना है, ज़्यादा सोते नहीं करना है आपने इसको, हल्का सा। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे स्टॉक वाटर। स्टॉक वाटर कैसे बनाया जाता है, आपने कैसे बनाना है, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा। अगर आप स्टॉक वाटर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, ठंडा पानी आपने नहीं ऐड करना है, ठंडा पानी से टेस्ट उतना नहीं आएगा सूप में। आपने हमेशा गर्म पानी ऐड करना है सूप में जब भी आप सूप बनाएं। अब अच्छे से एक बार इसमें उबाल आने देंगे, पकने देंगे। तब तक इसमें क्या करेंगे, एक कॉर्नफ्लोर का पतला सा बैटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सूप बोल ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए इसका पतला सा गोल बना देना, यानी पतला सा बैटर बनाना, इससे थिकनेस आएगी होटल सावर सूप में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लम्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके आपने भी पानी ऐड करना है। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल बनके तैयार है, ये देखिए लम्स नहीं है, आपके बैटर में भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों तैयारी। अब सूप देखेंगे, सूप भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, जो वेजिटेबल है वो लगभग पक चुकी है। अब सीजनिंग ऐड करेंगे, कुछ सीजनिंग ऐसी है जो आपके पास नहीं होगी तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। नमक इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, जितना आपको नमक पसंद है उतना नमक ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए नमक ऐड हो गया है। अब इस दोस्तों इसमें ऐड करेंगे आरोमेट पाउडर, नहीं है तो अजीनामोटो भी ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। तो ये देखिए 1/2 टीस्पून वाइट पेपर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिजवन सॉस ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आपको सिजवन सॉस बनानी नहीं आती है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस। तो ये देखिए सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक सूप को अच्छे से पका लेना है। सब्ज़ी अभी थोड़ा सा कच्ची है तो 5 से 6 मिनट लगेगा और उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो ये देखिए सूप हमारा पक चुका है। अब कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालना है, एक बार कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, बीच बीच में चलाते रहना। ये देखिए अभी सूप पतला है तो इसमें और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और चला लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए ये देख सकते कितना अच्छा सूप बना है। अब गैस को बंद कर लेना है, तो गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया है।
अब होटन सावर सूप बना रहे आप कहेंगे तो मैंने यहाँ पे अभी नींबू ऐड नहीं किया है, लेमन जूस ऐड नहीं किया है। दो नींबू को निचोड़ेंगे इसमें, स्पाइसी मैंने पहले इसको बना दिया था, अब इसको नींबू का फ्लेवर भी दे देंगे थोड़ा सा। ये देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे इसमें, और ये देखिए अब इसे मिक्स करेंगे। नींबू हमेशा बाद में ही आपने डालना गैस बंद करके। अब दोस्तों दो सूप बोल में इसे सर्व करेंगे, आप जितना सूप बोल में इसे सर्व करना चाहते हैं उतना सूप बोल में सर्व कीजिए। और ये देखिए दोस्तों हमारा होटन सावर सूप बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।